हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रवि परमार और आप देख रहे हो एमआर हेल्प एजुकेशन सपोर्ट। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो कि जब भी आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो तो आपको 5 तरह की इनकम उसमें बतानी जरूरी है। पहली है इनकम फ्रॉम सैलरी, दूसरी है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तीसरी है इनकम फ्रॉम पीजीबीपी जिसे बोला जाता है प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, चौथी जो इनकम है जिसे बोलते हैं इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, और पांचवी जो है वो है, ये चारों को छोड़ के जो पांचवी बनती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो ये 5 तरह की इनकम को आपको इनकम टैक्स रिटर्न में बताना जरूरी है। हो सकता है ये 5 में से कोई इनकम आप जनरेट नहीं कर रहे हो तो उसको आपके लिए बताना जरूरी नहीं है। तो दोस्तों, ये 5 हेड में से जो दूसरा हेड है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, उसके बारे में हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, क्या होती है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी? तो पहले तो आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो पहले आपको ढूंढना पड़ेगा जीएवी जिसे बोला जाता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। एक्चुअली दोस्तों, जीएवी की जो कैलकुलेशन है वो भी एक अलग तरीके से की जाती है, उसका भी एक फॉर्मूला है, लेकिन उतनी डिटेल में हम ये वीडियो में नहीं जाएंगे। सिंपल सी चीज है दोस्तों, आपका जो भी एक्चुअल रेंट होगा वो ही ज्यादातर आपका जीएवी होता है, मींस आप जो रेंट रिसीव करते हो वही ज्यादातर केसेस में आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू बनता है। ये जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू होती है उसमें से वो प्रॉपर्टी पे जो भी म्युनिसिपल टैक्स आपने पे किया होगा, जो बोलते हैं वाटर टैक्स होता है, हाउस टैक्स होता है वगैरह आपने पे किया होगा, अगर उसको आप घटा देंगे तो जो वैल्यू मिलेगी उसे हम बोलेंगे एनएवी। एनएवी मींस नेट एनुअल वैल्यू, तो हमें एनएवी मिलेगी। अब एनएवी में से आपको 2 तरह के डिडक्शन मिलेंगे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 24A एंड 24B ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग आपको 24A में स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, मींस जो भी एनएवी की वैल्यू होगी उसका 30% आपको डिडक्शन सीधा ही मिल जाएगा। जहां तक बात है सेक्शन 24B ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, तो वो आपको पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पे आपने लोन ले रखी है और वो लोन का आप इंटरेस्ट भी पे कर रहे हो, तो वो जो भी इंटरेस्ट पे कर रहे हो वो इंटरेस्ट का आपको डिडक्शन मिल जाएगा। अब ये इंटरेस्ट का डिडक्शन भी आप 2 तरह से क्लेम कर सकते हो। एक, अगर वो हाउस प्रॉपर्टी आप खुद ऑक्यूपाई करते हो, मीन्स वो प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो वो केस में आप 2 लाख तक ही इंटरेस्ट का डिडक्शन क्लेम कर पाओगे। हो सकता है आप 2.5 लाख इंटरेस्ट पे कर रहे हो, लेकिन जैसे कि आप सेल्फ ऑक्यूपाइड करते हो वो प्रॉपर्टी, तो आप ओनली 2 लाख तक का ही डिडक्शन क्लेम कर पाओगे। जहां तक बात है प्रॉपर्टी को रेंट पे देने की और वही प्रॉपर्टी पे आपने लोन ले रखी है, तो वो प्रॉपर्टी पे आप इंटरेस्ट जो भी आपका बनता होगा वो पूरा इंटरेस्ट आप डिडक्शन के तौर पे क्लेम कर पाओगे, चाहे फिर वो 2.5 लाख हो, 3 लाख हो, 4 लाख, कितना भी हो वो डिडक्शन क्लेम कर सकते। तो दोस्तों, फिर से एक बार इसको थोड़ा रिपीट कर देते हैं। जीएवी आपको पहले तो ढूंढना है, जीएवी होती है आपका जो एक्चुअल रेंट होता है वो। जीएवी में से आपको जो भी म्युनिसिपल टैक्स है वो म्युनिसिपल टैक्स घटा देने हैं, तो आपको मिलेगा एनएवी नेट एनुअल वैल्यू। एनएवी का 30% आपको डिडक्शन मिल जाएगा सेक्शन 24A इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग, और साथ ही साथ आपको सेक्शन 24B के अकॉर्डिंग भी जो भी उसके ऊपर इंटरेस्ट अगर आप पे कर रहे हो तो उसका भी डिडक्शन मिल जाएगा। और ये दोनों वैल्यू को आप निकालोगे और जो वैल्यू मिलेगी वही वैल्यू आपकी कही जाएगी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, और आप भी रिटर्न फाइल कर रहे हो तो ये कुछ डिटेल आपके लिए बेहतरीन इंफॉर्मेशन रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आई एम रवि परमार, साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच।